हाय दोस्तों, हम आज आपको इसको यूज करते हुए दिखाएंगे। ये बहुत इजी है यूज करने पे। पहले इसको प्लग इन करना है। प्लग इन करने का सॉकेट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये फिक्स सॉकेट है, डिटैचेबल नहीं है। इसको हमारे मेंस में लगा देना है। मेंस में लगाने के बाद ये इसका वाटर लेवल इंडिकेटर है। ये बेसिकली इसका काम बस ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द गैस है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसका ज़्यादा पर्पस नहीं है। तो इसको यहाँ पे इसके अटैचमेंट करने के लिए बैंड दिया हुआ है, इसको इसमें अटैच करना है। तो इसको इस तरह अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद इसका दो पोर्ट है, एक पोर्ट को हमको मशीन के आउटलेट में लगा देना है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा। इसको लगा दिया तो हमारी असेंबली कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे तीन इंडिकेटर हैं, एक है फ्लो मीटर, एक है टाइम कितनी देर तक चल रहा है, और यहाँ तीसरा आएगा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये फ्लो मीटर मैनुअल है, अभी ज़ीरो पे है तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, 40 से शुरू हो रहा है और 96-97 तक जाएगा। तो अभी मैं आपके सामने फ्लो मीटर को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं प्लस की तरफ घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये बॉल ऊपर आ रहा है, ये दिखा रहा है कि कौन कितने फ्लो मीटर पे जा रहा है। सेम इंडिकेटर हम यहाँ पे देखने मिलेगा, जैसे वन हो गया, वन पे रखा है, वन हो गया। नॉर्मली थ्री पे करके, 3 to 4 घर में यूज़ करने के लिए काफ़ी है। अगर हम नॉर्मल फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसमें रिजर्वर बैग लगा रहे हैं तो इसका एफिशिएंसी और बढ़ जाता है। ये विदाउट रिजर्वर बैग सिंपल फेस मास्क है, 4 से 5 लीटर में रखना अगर हम इस फेस मास्क में लगा रहे हैं। तो मैंने इसको अभी 4 लीटर में कर दिया है, 4 लीटर में कर दिया है, तो यहाँ पे भी 4 लीटर अभी शो करेगा। और ये 96 जो दिखा रहा है ये है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। इस मशीन में ऑक्सीजन का जो मशीन ही ऑक्सीजन निकाल रही है वो फिक्स है, 96% तक जाती है। और इसका फ्लो वेरिएबल है, फ्लो जैसे अभी 4 मैंने किया था, 4 किया गया, फ्लो इज वेरिएबल, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इज फिक्स। तो हमें बस फ्लो ही चेंज करना है। और ये प्लस या माइनस साइन है, ये प्लस या माइनस साइन ये देखने के लिए कि इसमें जो आ रहा है, सपोज आपको अभी 96% आ रहा है, ये चेंज करने के लिए प्लस या माइनस यूज़ कर सकते हैं। कितनी देर तक मशीन चल रहा है उसका टाइमिंग नीचे आ रहा है। ये मशीन का एक आउटलेट है, इस पर हम ये फेस मास्क को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाय दोस्तों, इसमें फ्लो रेट वेरिएबिलिटी भी है और टाइमिंग वेरिएबिलिटी भी है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका कॉर्ड यहाँ पे लगाना है, कॉर्ड डिटैचेबल है, तो कॉर्ड को भी हम मेंस में लगा लेते हैं। कॉर्ड लगाने के बाद, अरे इसमें भी वाटर ह्यूमिडिफायर के लिए पोर्ट बना हुआ है, ये छोटा सा है, इसको अपनी तरफ पुल करके निकालिए। तो इसमें वाटर लेवल मार्किंग किया हुआ है मैक्सिमम, पानी डाल, इसमें साफ पानी डालना है। साफ पानी डाल दिया है मैंने यहाँ तक, और साफ पानी डालने के बाद इसको वापस पहले नीचे वाला ऐसे रखना है, फिर पुश कर देना है। ये हो गया सेट। सेट होने के बाद अभी हमको यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ बटन है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद वेलकम मैसेज बोलेगी और बोलेगी कि पानी का ये सेपरेटली साफ करके नया पानी लगाइए। उसके बाद हमको सिर्फ अब इसको यूज़ करना है। यूज़ करने पे इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, पहले हमें इसको ऑन करना है। ऑन कर दिया, ऑन करने पे देख सकते हैं कि 90% ऑक्सीजन दिखा रहा है 2 लीटर्स पर मिनट पे। इसका फ्लो हम 2 से 8 तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्लो बढ़ाएंगे तो प्योरिटी कम हो जाएगी। करके दिखाता हूँ मैं, जैसे फ्लो 2, 3, आप देखो जैसे जैसे फ्लो बढ़ रहा है प्योरिटी कम हो गई है। तो अगर हम किसी को देना चाहते हैं 4 to 5 लीटर ऑक्सीजन इन ए सिंपल फेस मास्क, तो उसको 50% ऑक्सीजन ही मिल पाएगा। तो इसमें हम ज़्यादा फ्लो नहीं बढ़ाना है, हमें फ्लो 3 से 4 ही रखना है फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ दिस मशीन। इसमें टाइमिंग वेरिएबिलिटी भी है, हम टाइमिंग भी इसमें सेट कर सकते हैं कि कितनी देर तक देना है। 30 मिनट, एक बार टच करने से 30 मिनट बढ़ता है, तो अप टू 4 आवर्स जाएगा। 1 आवर,
और उसके बाद फिर ज़ीरो हो जाएगा। अभी मैं टच करूँगा तो ये कोई नंबर नहीं दिखा रहा, कोई टाइमिंग नहीं दिखा रहा, इसका मतलब देर विल बी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसको बस ऐसे ही यूज़ करना है, जितने घंटे चलेगा यहाँ पे उसका मीटर आता रहेगा और इस तरह इसको ऑफ कर देना।